हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको 35 किलो लिक्विड डिटर्जेंट बना के दिखाएंगे, जो कि हमारा 20 रुपये किलो में तैयार होगा। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का तैयार होगा, 700 रुपये में पूरा हमारा बन के तैयार होगा। ट्रांसपेरेंट बनेगा और बहुत ही थिक बनेगा, बहुत ही अच्छा इसमें झाग होगा, सफाई होगा। इसके लिए हमने आज थोड़ा फॉर्मुलेशन में चेंजिंग किया है, एसिड सिलेरी को हमने कम कर दिया है और उसके बदले हमने एओएस लिक्विड को बढ़ाया है। यह हमारा 3.5 किलो एओएस लिक्विड है, जो कि हमने आधा किलो इसमें कास्टिक सोडा हमने डाल दिया था, 500 ग्राम कास्टिक सोडा को इसमें डाल के हमने इसको अच्छे से घोल दिया है। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, सबसे पहले इसी को डालेंगे। कास्टिक सोडा को जो है सबसे पहले अगर आप पानी में डालेंगे और उसके बाद सारा केमिकल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका बन के तैयार होगा। उसमें आपका जो नमक, जो इसके पहले वाले वीडियो में मुझे किसी ने कहा था कि नमक उनका जो है बैठ जाता है नीचे बोतल में भरने के बाद लिक्विड को, तो वो नमक अगर नीचे नहीं बैठेगा उसके लिए आपको अगर ये उसको अगर आपको ठीक करना है तो आपको सबसे पहले कास्टिक सोडा को पानी में मिलाना पड़ेगा। उसके बाद आप अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर सारा केमिकल मिक्स कीजिए। ये हम आज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एओएस लिक्विड में कास्टिक सोडा को मिलाने से उसका रिएक्शन क्या होता है, वो हम देख रहे थे। इसलिए हमने आज कास्टिक सोडा को एओएस लिक्विड में मिला दिया है और मिला के इसको छोड़ दिया था हमने 10 से 15 मिनट। ये इतना गाढ़ा हो गया है, ये अभी और गाढ़ा होगा, लेकिन हमको इसको पाउडर में यूज़ नहीं करना है, लिक्विड में यूज़ करना है, इसलिए हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं। कास्टिक सोडा और एओएस लिक्विड ये दोनों इसमें मिक्स हैं। 3.5 किलो हमारा इसमें एओएस लिक्विड है और 500 ग्राम हमारा इसमें कास्टिक सोडा है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर हमारा जो दूसरा केमिकल है उसको डालेंगे हम इसमें। इसमें जो थोड़ा बहुत रह गया इसको अच्छे से निकाल लेंगे। पानी जो है हम इसमें वो अभी और मिक्स करेंगे, लेकिन इसको लास्ट में मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा सारे केमिकल पहले मिक्स करने के बाद में, ये 35 किलो का हमारा डब्बा है, 35 किलो इसमें माल रेडी होता है, तो इसलिए हम इसमें पानी पहले से पूरा नहीं लिए हैं। पानी जो है लास्ट में मिक्स कर देंगे, जितना बचेगा इसमें और जितना रहेगा, जितना बाकी रहेगा पहले हमारा सारा केमिकल को अच्छे से इसमें डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे जितना बचेगा। लगभग 28 किलो इसमें पानी लगेगा, बाकी का 7 किलो जो है हमारा केमिकल है सारा। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। हमारे पास मिक्सिंग का मशीन भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको पाइप से मिक्स करेंगे, लास्ट में इसको मशीन से घुमा देंगे। थोड़ा इसको अभी टाइम लगेगा मिक्स होने में पूरा। अब इसमें हम डालेंगे एसएलएस लिक्विड, जो कि हमने 1 किलो लिया था। इसको मिक्स करने के लिए मशीन से मिक्स कर लेंगे हम लास्ट में, पहले सारा केमिकल आपको डाल के दिखा देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एसिड सेलरी, जो कि हमारा 1 किलो था। इसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा देर हम छोड़ देंगे मिक्स होने के लिए, पहले मिक्सर से मिक्स करके और उसके बाद जब 4-5 घंटे के बाद में जब इसको बॉटल में फिल करना रहेगा तब इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको जो बचा है छोड़ देते हैं। अब इसमें हमारा जो थिकनर डलेगा वो है एक्जेंथन गम, जो कि हमने लगभग 20 ग्राम लिया था और इसको गर्म पानी में हमने मिक्स किया है। गर्म पानी में मिक्स करने से ये जल्दी मिक्स हो जाता है, इसलिए इसको गर्म पानी में मिक्स किया जाता है।
अब इसमें हमारा डलेगा जो ठीक करने के लिए डालते हैं हम नमक, जो हमारा 500 ग्राम है। अब हमारा इसमें डलेगा कलर, ये 20 रुपये का पैकेट आता है, कम से कम इसमें हम 4 बार बना लेते हैं, दो बार ये दूसरी बार बन चुका है, 2 बार और बनेगा इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे पाइप की मदद से। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आज हम इसमें सिट्रिक एसिड या TSP वगैरह ये सब कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास में सिट्रिक एसिड नहीं है, ख़त्म हो गया है। और इसका pH भी आपको चेक करके बताएंगे पूरा बन जाने के बाद में, pH मेंटेन भी जो होता है वो कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे इसके बारे में। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, मिक्स करके इसको पूरा रिएक्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब बॉटल में हम फिल करने वाले होंगे तब आपको इसका pH चेक करके बताएंगे। pH लेवल जो है वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी ये मिक्स हो रहा है धीरे धीरे, अब इसको मशीन से मिक्स एक बार कर लेंगे। इसको मिक्स कर लिया गया है अच्छे से। अब इसको कम से कम हम 4-5 घंटे छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद में फिर से इसको जब बॉटल में फिल करेंगे तो आपको एक बार और उसका वीडियो दिखाएंगे। अब pH भी इसका चेक करके आपको दिखाएंगे, हमको थोड़ा हाई pH का माल बनाना था इसलिए हम इसमें 1/2 किलो कास्टिक सोडा डाले हैं, और pH भी चेक इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हमको पता है ये 9 से 10 के आसपास का pH में हमारा माल बना है। फिर भी आपको एक बार दिखा देंगे इसका pH चेक करके, और अभी इसको फिलहाल हम 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 4-5 घंटे के बाद जब इसको फिर से बॉटल में फिल करेंगे तो फिर आपको एक बार इसका और वीडियो बता देंगे कैसा ठीक हुआ है, कैसा प्रोडक्ट हमारा फाइनल तैयार हुआ है, क्योंकि ये सारा जो केमिकल हमने डाला है ये सारा रिएक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आपस में अच्छे से जब ये मिक्स हो जाता है तब इसको बॉटल में फिल किया जाता है, ताकि जो है कोई भी केमिकल जो है वो रिएक्ट किए बगैर ना रहे, इसमें रिएक्ट हो जाना चाहिए। रिएक्ट हो जाने से आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और इसमें परफ्यूम भी मिक्स करना है जो कि हम बाद में मिक्स करेंगे, जब बॉटल में फिल करेंगे तब इसको मिक्स करेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें वाटर और मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। जब सारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक बार इसका वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे। थोड़ा सा अभी और इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे हम, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, और अगले वीडियो में आपको इसका जो है फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा है वो बना के दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।